हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के इस टॉपिक में हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है प्रोडक्शन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ठीक है, बहुत ही स्मॉल चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सो काफ़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। दिस चैप्टर कंटेन्स एसेंशियली द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विद द मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के अप्रोच के थ्रू इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे। बोथ व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट एंड द प्राइस इज फॉलिंग अलोंग विथ न्यूमेरिकल्स। जब प्राइस कांस्टेंट रहेंगे या प्राइस फॉल कर रहे होंगे अलोंग विथ द नंबर्स, देन वी कैन अंडरस्टैंड द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर we are going to learn some words. First is profit. सबसे पहले हम समझेंगे profit क्या होता है। So profit refers to the excess of money receipts from the sale of goods and receives and services, that is called revenue, over the expenditure incurred on production producing them, cost. जब revenue minus cost, is there any positive value, वो profit होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फर्म है, वो किसी गुड्स को 5 रुपये में सोल्ड करती है और जब वो उस गुड्स को बनाती है तो उसको 3 रुपये खर्चा आता है, तो 2 रुपये हमारा प्रॉफिट है। सिंपल। पॉइंट नंबर 2, अब प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर कौन होता है? अ प्रोड्यूसर इज सेड टू बी एन इक्विलिब्रियम व्हेन ही प्रोड्यूसेस दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच हिज प्रॉफिट आर मैक्सिमम। सो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन। मतलब प्रोड्यूसर को जहाँ पे प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ओके, सो यहाँ पे हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे टू डिटरमाइन द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। इन शॉर्ट वी कैन से TR माइनस TC अप्रोच। पॉइंट बी, सॉरी मेथड 2 is marginal revenue and marginal cost approach. So यहाँ पर हम 2 approaches पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो अ फर्म प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स, द फर्म प्रॉफिट डिनोटेड बाय पाई इज डिफाइंड टू बी द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स से द पाई equal to profit equal to total revenue minus total cost. ठीक है, सो नीचे हमने कुछ आउटपुट दे रखे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू दे रखा है और मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है ग्राफ में। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, जो प्राइस है गुड्स और सर्विस का वो कांस्टेंट है, विद द राइज इन आउटपुट अंडर मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच इज डिटरमाइंड वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग अकॉर्डिंग टू टेबल। बोथ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आर सेटिस्फाइड एट 4 units ऑफ आउटपुट। ठीक है, देख लो, आप ऊपर इस ग्राफ में देख सकते हो, जो हमने लास्ट में देखा, यूनिट नंबर 4 के ऊपर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है। एट दिस पॉइंट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट। ठीक है, सो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग आफ्टर दैट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर 4 units ऑफ आउटपुट। ठीक है, सो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड एट 4 units ऑफ आउटपुट। जब भी हम 4th unit प्रोड्यूस करेंगे वहाँ पे प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, बट सेकंड कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड हियर। वो क्या थी? लेट्स अंडरस्टैंड द डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ओ विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट QQ। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड is OQ, right? OQ is the
producer equilibrium level of P output corresponding to point E as at the point MC, MR and MC curve cuts marginal revenue curve from below. ठीक है, जब भी नीचे से काटता है किसको मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट रेवेन्यू कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम डाउन दैट पॉइंट वेयर दे कट दैट इज इन प्रोड्यूशनल इक्विलिब्रियम राइट. इन फिगर आउटपुट इज शोन ऑन दैट हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस. रेवेन्यू और कॉस्ट को हमने वर्टिकल साइड में दिखा रखा है और यूनिट सोल्ड को हॉरिजॉन्टल में. नाउ प्रोड्यूसर क्यू यूनिट सोल्ड, प्रोड्यूसर्स क्यू यूनिट सोल्ड ठीक है. इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड एट ओ क्यू इन दिस डायग्राम लेवल ऑफ आउटपुट कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई बिकॉज एट दिस पॉइंट फॉलोइंग टू कंडीशंस आर मेट. फर्स्ट marginal cost equal to marginal revenue and marginal cost curve cuts the marginal revenue from below. जब ये दोनों conditions complete होगी वहाँ पर producer equilibrium point आएगा. When marginal cost is less than marginal revenue या we can say marginal revenue is more than marginal cost then producer will continue to produce as long as मार्जिनल रेवेन्यू बिकम इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. तब तक वो प्रोड्यूस करेगा. इट इज सो बिकॉज फर्म विल फाइंड इट प्रॉफिटेबल टू रेज द आउटपुट लेवल. ठीक है, सो व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट डिफरेंट सिचुएशन. जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से कम होगा देन द प्रोड्यूसर विल कट डाउन द प्रोडक्शन. प्रोड्यूसर वहां पे प्रोडक्शन को कम कर देगा या धीमा कर देगा एज लॉन्ग एज मार्जिनल रेवेन्यू बिकम टू द इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट. इट इज टू बिकॉज फर्म विल फाइंड इट अनप्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा यूनिट सो इट स्टार्ट रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ आउटपुट टिल मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं हो जाता. ओके, सो यहाँ पे हमने समझा रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट और इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन कौन सी कंडीशंस में बनेगा. नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग मार्जिनल इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस फॉल्स विद अ राइज इन आउटपुट अंडर मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच इज डिटरमाइंड हियर. कहाँ पे, जहाँ पे वो दो कंडीशंस कंप्लीट होगी. पहली कंडीशन क्या थी, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी और मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काटेगा. ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी राइजिंग व्हेन प्राइस फॉल विद द राइज इन आउटपुट. सो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स स्लोप डाउनवर्ड्स. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल. सो हमने 6 यूनिट प्रोड्यूस किए. फर्स्ट यूनिट करते हैं तब हमको मार्जिनल रेवेन्यू 10 होता है और मार्जिनल कॉस्ट इज 9. And when second unit, the marginal revenue is decreasing as marginal cost is also decreasing. So at the point, at the unit number 4, where is the marginal revenue and marginal cost is equal? That is producer equilibrium point. According to table, both the conditions of equilibrium are satisfied at fourth unit of output. Marginal cost is equal to marginal revenue and marginal cost is rising. MC marginal cost is more than marginal revenue MR when output is produced after 4 unit of output. So producer equilibrium will be achieved at 4 units of output. Let us understand this from determination of equilibrium with the help of a diagram. So in this diagram you can see at point E the marginal cost revenue is cutting the marginal revenue from downward. So producer equilibrium is determined at OQ level of output corresponding to point E as at this point marginal cost equal to marginal revenue and marginal curve cuts the MR curve from below. In figure output is shown on the horizontal axis
and revenue and cost of the vertical axis. Producer equilibrium will be determined at OQ. You can see in this graph, OQ level pe producer equilibrium determined ho raha hai as a E, right? So because at this, following two conditions are met. Kaun si? Marginal cost equal to marginal revenue, and marginal curve cuts the marginal revenue curves from the below. So when marginal revenue is more than marginal cost, the producer will continue to produce as long as marginal revenue become equal to marginal cost. It is so because firm will find it profitable to raise the output level. Agar iski opposite condition hoti hai, agar marginal revenue marginal cost se kam hota hai, to producer jo production hai wo karna kam kar dega, because he do not find it's profitable. So start reducing the level of output till the jab tak marginal revenue or marginal cost barabar nahi ho jate. So the producer is at equilibrium at OQ unit. Okay. Now we are discussing the words that matter. First, profit. Profit kisko bolte hai? Revenue minus cost. से जो पॉजिटिव वैल्यू आती है उसको प्रॉफिट बोलते हैं. एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? अ प्रोड्यूसर इज सेट टू बी एन इक्विलिब्रियम जब उसका जो प्रोडक्शन लेवल है आउटपुट का वो प्रॉफिट जो देती है वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है. दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. ठीक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन. So in this whole discussion, we understand the what is producer equilibrium. So for today, we completed this chapter. Thank you so much for watching this video. If you students have any doubt in this topic, you can ask me in the comment section. I reply you definitely. Thank you so much.